सब आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज। मैं हूं सचिन। गाइस आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जानने वाले हैं बीएससी नर्सिंग यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। तो गाइस इस यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट्स नर्सिंग फील्ड में जिनका इंटरेस्ट है या तो जो अपना कैरियर नर्सिंग फील्ड में या नर्सिंग साइंस में बनाना चाहते हैं। तो गाइस इस वीडियो सेशन को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं आज बीएससी नर्सिंग रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। तो अगर यार हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो जनरली ये 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएशन गाइस कोर्स होता है। अगर आप इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो आपका 12th में पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना कंपलसन है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस से आप बीएससी नर्सिंग कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। तभी इन सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताएंगे। इसमें जनरली आपको नर्सिंग साइंस से के साथ साथ आपको ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो अगर हम इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जनरली इसके दो कोर्स के दो सेक्शंस होते हैं। एक बीएससी बेसिक्स होता है, एक बीएससी पोस्ट बेसिक होता है। बीएससी अगर बेसिक्स के लिए बात करें तो इसमें आपका 12th में पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना कंपलसरी है। अगर हम बीएससी पोस्ट बेसिक की बात करें तो इसमें आपका पीसीबी होना कंपलसरी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका 12th में होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ आपका सर्टिफिकेट जीएनएम यानी कि जनरल नर्सरी मेडवेरी का आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको रजिस्टर्ड होने चाहिए आप आरएनआरएम यानी कि रजिस्टर्ड नर्सिंग रजिस्टर्ड मिडवाइफ के लिए। इसके साथ साथ आपके पास एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो आपके पास ओटी टेक्नीशियन टेक्निक्स होना चाहिए या तो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो आपके पास साइकेट्रिक नर्सिंग हुआ, ऑप्थैलेमिक्स नर्सिंग हुआ, इसके साथ लैप्रोसिक नर्सिंग हुआ, टीबी नर्सिंग हुआ, इसके साथ न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग में आपके पास 6 या 1 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं गाइस इसके लिए इसका स्किल रिक्वायर्ड की। अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो आपके अंदर कौन सी स्किल्स डेवलप करने चाहिए, आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए। फर्स्टली आपके पास तो पेशेंट एक आपके पास नोबल प्रोफेशन होना चाहिए जिससे कि आपको पेशेंट्स को आप रेगुलरली आपको चेकअप करना होता है। इसके साथ साथ आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस के साथ साथ आपके पास डेडिकेशन ऑफ वर्क मतलब अपने वर्क के पास डेडिकेशन होना तभी आप डॉक्टर्स हुए या पेशेंट हुए या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ रह सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बेटर होना चाहिए। इसके साथ साथ आप अगर आप इस कोर्स को परस्यू कर रहे हो तो आपके पास मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए क्योंकि नर्स ही होता है जो कि हॉस्पिटल या पेशेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करके रखता है। अगर हम बात करें इसके सब्जेक्ट्स की, अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स को परस्यू करते हैं इसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको जैसे एंटोनॉमी हुआ, साइकोलॉजी हुआ, बायोकेमिस्ट्री हुआ, न्यूट्रिशन नर्सिंग फाउंडेशन हुआ, फार्माकोलॉजी हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक हुआ, मेडिकल सर्जरी नर्सिंग हुआ, तीन सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में गाइस पढ़ाए जाते हैं। अगर हम बात करें टॉप नर्सिंग एग्जामिनेशन इन इंडिया की, अगर आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप एम्स नर्सिंग देख सकते हैं जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स न्यू दिल्ली इसको कंडक्ट करवाता है। इसके साथ आप पीजीमर नर्सिंग देख सकते हैं जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पीजीमर चंडीगढ़ जिसको कंडक्ट करवाता है। इसके साथ साथ आप इंडियन आर्मी नर्सिंग कोर्स एग्जामिनेशन देख सकते हैं जिसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि इंडियन आर्मी इसको एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है। इसके साथ साथ आप KGMU हुआ, RUHS हुआ, इसके साथ साथ BHU या जामिया हमदर्द नर्सिंग एग्जामिनेशन को आप दे सकते हैं जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। अगर हम इसके बीएससी नर्सिंग के करियर ऑप्शन की बात करें कि क्या करियर अपॉर्चुनिटी होता है अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स को परस्यू करते हैं, तो आप एज ए नर्स के रूप में वर्क कर सकते हैं या एज आप होम केयर नर्सेस के रूप में या तो नर्सिंग असिस्टेंट हुआ, नर्सरी स्कूल या जूनियर साइकेट्रिक नर्स के रूप में आप नर्सिंग ट्यूटर के रूप में वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नर्सिंग एजुकेटर हुआ, होम केयर नर्सेस हुआ, इसके साथ साथ आप नर्स मैनेजर हुआ, तो वार्ड नर्स या इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के रूप में आप वर्क कर सकते हैं। अगर हम नर्सिंग सैलरी की बात करेंगे, अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स को परस्यू करते हैं तो आपका मिनिमम सैलरी पैकेज क्या होता है, तो आपका मिनिमम सैलरी पैकेज 3 to 7 लाख पर एनुअल आपका सैलरी पैकेज हो सकता है। अब हम बात करते हैं
टॉप रिक्रूटर, तो जैसे अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज और फोर्टाइज हेल्थ।